हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सुनील, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर कोई भी किसी तरह का फैन हो, अगर बैरिंग आपका सही है आप तो कैसे सही है बैरिंग, आप वीडियो में आपको दिखा दूंगा। बैरिंग अगर सही है फिर भी आपका पंखा कैसा भी किसी भी किस्म का आवाज़ आए तो आप कैसे उसे ठीक कर सकते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और दोस्तों, मेरा जो भी वीडियो रहता है वो 100% सच्चाई पे ही बनाते हैं हम लोग को, हमारा कोई फेक वीडियो नहीं रहता, हमारा किसी भी वीडियो को आप देख लो फेक नहीं रहता है। तो इसमें मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे ये फ़ैन को आवाज़, अगर किसी तरह का आवाज़ दे रहा है, आपका बैरिंग सही है तो अगर बैरिंग भी कब बदलना चाहिए, सभी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, मैंने ये जैसा कि लूज मैंने कर लिया, 3 वोल्ट होते हैं, 1 2 3 3 वोल्ट होता है, तो हमें कुछ इस प्रकार से खोल लेना है। और ये वायर किसी पंखे में 4 वायर रहते हैं, किसी में 3 वायर रहते हैं, होते तो जैसे 4 ही वायर है लेकिन अंदर से किसी में 3 वायर निकाला हुआ रहता है। जैसे ये इसको देख सकते हैं, इसमें 3 वायर है, तो इसका कनेक्शन कैसे करें मैं वो भी बताने वाला हूँ आपको। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से ये रहता है, हमें इसको खोल लेना है। चलिए, हमने इसको खोल लिया है कैपेसिटर। और दोस्तों, एक और चीज़ बता देता हूँ, जो भी आपका फ़ैन है, अगर सीलिंग फ़ैन है तो कम से कम आप अगर ये 2.25 का कंपनी वाला लगा के दिया हुआ है ग्रेट वाइट का, तो ये मैंने इसमें 2.50 लगा दिया है, 2.5 का लगा दिया है, ताकि ये कम ही वोल्टेज में अच्छा ये स्पीड दे सके। अगर आपके इधर वोल्टेज ज़्यादा है तो आप 225 पे भी रख सकते हैं, अगर कम वोल्टेज है तो 2.5 के लगा सकते हैं, 2.5 कैपेसिटर। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख लिया है, इसको खोल लेते हैं। ये 3 वोल्ट होते हैं, साइड में वो खोल देना है उसको। और ये देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हमारा दिक्कत नहीं है। बैरिंग पहले देख लेते हैं, बैरिंग चेक कैसे करना है, कुछ इस प्रकार से फैन पकड़ लेना है और यहाँ चेक करना है। तो ये बैरिंग में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, बैरिंग ओके है और यहाँ लूज भी नहीं है। ये अपने आप ये सापड़ जो होते हैं इसके कॉइल का, यह स्टेटर सापड़, ये भी नहीं निकलना चाहिए, तो ये भी नहीं निकलता, ये भी अच्छा है। तो इसका मतलब इधर इसमें कुछ फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट हमें इसमें ही मिलने को दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा सही है और बैरिंग भी ओके है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे हम वाशर निकाल लेते हैं और स्प्रिंग भी निकाल लेते हैं और इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा ये कैसा है, ये बैठता है इसमें फिट। तो ये देख सकते दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बैठ रहा है। इसका आवाज़ करने का यही मतलब है। यहाँ पे आप इसको सफाई करके दिखा देते हैं थोड़ा आपको। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो इसमें बैरिंग का ये सापट, जो हमारा छोटे वाले जो सापट है, जैसे ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे सापट लग जाता है। ये सापट क्या होता है, लूज होता है दोस्तों। जैसे कि हम फैन में करंट देते हैं तो ये जो स्टेटर होता है साइड वाले, यहीं से ये स्टेटर के कारण ये हमारा ये घूमने लगता है। स्टेटर यही स्टेटर ही घूमता है दोस्तों, बाकी फैन नहीं घूमता है। जैसे ये यहाँ पे ये इसमें लगाते हैं तो ये दोनों ही ऐसे घूमने लगता है दोस्तों। ये मतलब पूरा समझिए तो दोस्तों, ये घूमता कौन है दोस्तों, ये वाला और ये वाला घूमता है, ये कॉइल घूमता नहीं है दोस्तों। ये जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो रिंग जैसा स्टेट लगा हुआ है तो यही घुमाता, यही मतलब नचता है दोस्तों, इसके कारण नचता है। अगर ये आप हटा देंगे या निकाल देंगे तो ये कभी फैन नचेगा नहीं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों, आवाज़ कर रहा है। तो जैसे देखिए, हम जैसे ही लगाते हैं तो ये एकदम से फिट बैठ रहा है दोस्तों, इतना भी फिट नहीं बैठना चाहिए और निकल भी जाता है आसानी से, तो निकलना भी नहीं चाहिए। और ये थोड़ा जाम होगा तो ही अच्छा है, बैरिंग का पकड़ होगा तो ही अच्छा से नचेगा, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, अगर लूज रहेगा तो कभी ये घूम जाएगा, कभी ये घूम जाएगा। तो हमारा जो सापट नीचे वाला जो देख रहे हैं ज़्यादा लूज है, तो इसको हम सही कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा अब छेनी ले ले, छोटा सा छेनी से थोड़ा थोड़ा मार के हल्का हल्का इसमें दाने निकाल दे बाहर, और इसमें लगाने के बाद ये जाम हो जाएगा, तो फिर आपका आवाज़ बंद हो जाएगा। किसी भी तरह का पंखा हो दोस्तों, सीलिंग फैन, अगर आपका बैरिंग सही है और आवाज़ आ रहा है तो इसका मतलब एक ही है कि आवाज़ आने का वही कारण है। आप हो सकता है किसी किसी में ये ऊपर वाला भी लूज होता है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी लूज होता है सापट, तो यहाँ हमारा लूज नहीं है। और कभी काल अगर ऐसा हो तो दोस्तों, आप बैरिंग भी चेंज करके देख सकते हैं। अगर एक बार पहले बैरिंग चेंज कर ले, क्योंकि किसी सापट कहीं पे थोड़ा बैरिंग पे भी जगह बना देता है तो लूज होने लगता है, जैसे ये लूज है सापट, हाफ डन हो रहा है, तो आप पहले बैरिंग बदल के देख ले, अगर बैरिंग में जाम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये दोस्तों दोनों तरफ जाम होना ही चाहिए, तो ही आपका
फैन जो है आवाज़ नहीं करेगा, थोड़ा भी आवाज़ नहीं करेगा, सिर्फ सनसना के चलेगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे, आपके पास अगर छेनी है तो थोड़ा थोड़ा इसको कटिंग कर ले, और मेरे पास छेनी से मैं भी थोड़ा इसको कुछ इस प्रकार से रख के कटिंग करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं जैसा कि मेरे पास ये फाइल है, फाइल से ही मैं थोड़ा थोड़ा इसको पकड़ के कुछ इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा इसमें मारूंगा, तो ये क्या होगा थोड़ा सा इसमें दाने जैसे निकल जाएंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा मारूंगा मैं इसको तो ये जाम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अच्छे से थोड़ा सा ऐसे पकड़ पकड़ के मार लेना है दोस्तों। रेती में क्या होता है, खांचे होते हैं बारीक बारीक, तो ये थोड़ा दाने जैसे बना देगा, तो इसमें हमारा बैरिंग में जाके फंस जाएगा। तो इसी प्रकार से रेती से अब चाहे तो छेनी से भी हथौड़ी से भी अच्छे से पकड़ के इसमें लगा सकते हैं। तो मैं जैसा कि मैं इससे ही मार के इसमें लगाऊंगा। तो जैसा कि आप फ्रेंड देख सकते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें हल्का हल्का दाना दिख रहा होगा, मैंने इसमें फाइल से थोड़ा थोड़ा इसमें दाने बना दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें सेट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये देखिए हमारा जैसे पहले स्लिप हो रहा है, आपको स्प्रिंग भी लगा लेना है। स्प्रिंग लगाने के बाद आपको ये भी लगा लेना है दोस्तों। ये पहले मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, आप देखिए ये भी फंस नहीं रहा है बराबर, ये देखिए गैप बन रहा है, देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा ठोकना पड़ेगा, हैमर से थोड़ा ठोकना पड़ेगा, तो देख सकते हैं कैसा ये चल रहा है। तो आप भी इस प्रकार से किसी भी पंखे का आवाज़ को आप सही कर सकते हैं दोस्तों। आप इतना कर लो, ये आपको ट्रायल करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इतना करोगे आपका पंखा सही हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ दोस्तों, मेरा अपना दुकान है पंखे रिपेयरिंग करने का। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप समझ गए होंगे किसी भी तरह का अगर फैन में अगर बैरिंग दोनों सही है फिर भी आवाज़ कर रहा है तो आपको कैसे उसको ठीक करना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना मेरे दोस्तों के लिए। तो फिर आपसे एक अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।